देखकर तो आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं मौजूद हूँ कैंट रेलवे स्टेशन पे और अभी मेरे सामने से सेवना तेजगाम GU40 की लीड के साथ जो है वो जा रही है। यूनिक एक्शन है क्योंकि सेवन अप के साथ जो अक्सर ZU लगता है लेकिन अभी जो है वो GU40 लगा है। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मेरे सामने ZU की जगह GU40 लगाया है 9018। तो जैसा कि आपने देखा ZU की जगह GU40 लगा हुआ है 7UP तेजगाम में। तो आइए हम थोड़ी इसकी रेक के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट की जो है 4 कोचेज जो हैं वो पिंडी कोटा की होती हैं इसमें, जो पिंडी तक जाती हैं। इसके बाद जो है वो AC पावर ऑन आ जाता है, दैन फिर AC स्लीपर और AC बिजनेस। तो आइए हम देखते हैं वो आते हैं और उसको जो है वो देखते हैं कि CNR हैं वो और या CFI हैं। तो इकोनॉमी क्लास जो है उसमें भी 4 कोचेज जो हैं, एक उसमें जो है वो CFI जो है रिफर्बिश लगाई गई है, बाकी CNR कोचेज हैं पिंडी कोटा की जो है वो। दैन फिर जैसा मैंने आपको बताया कि पावर ऑन जो है वो लगा हुआ है जो थ्रू आउट पिंडी जाता है ट्रेन के साथ। इसके अलावा ओल्ड जर्मन AC स्लीपर लगा हुआ है, अक्सर इसमें CNR न्यू AC स्लीपर लगता है लेकिन आज जो है वो बैड लक के साथ ओल्ड लगा हुआ है AC स्लीपर। दैन फिर CNR जो है न्यू AC बिजनेस की जो है वो कोचेस हैं। तो आइए देखते हैं कि सारी जो है वो CNR हैं कोचेस, तो मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा सारी AC बिज़नेस की क्लासेस जो हैं वो CNR थी और इसके अलावा इसमें एक AC स्टैंडर्ड की कोचेस भी जो है वो ऐड है जो कि लगाई जाती है थ्रू आउट लाहौर। इसके अलावा दैन फिर कंटिन्यू जो है लाहौर कोटा की जो है इकॉनमी क्लासेस, जो कि पहली तो जो है वो CFI है CNR है, दैन फिर ग्रिल वाली CFI ओल्ड कोच और एक और इसके अलावा CFI कोच है जो कि पाकिस्तान मेड है, दैन फिर CFI कोच इकॉनमी क्लास की। और लास्ट में जो है लगेज कोच है। तो मैं आपको बता चलूँ 7UP तेजगाम कराची से लेके रावलपिंडी तक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन है जो बजरिया मुल्तान लाहौर एबल 1 पे जो है चलती है।